राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी के लिए एक शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ व्यापम से एक खबर मिली है कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती की जो वैकेंसी है, जो 500 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई थी उसको विलंबित कर दिया था, वो अब बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकता है। यानी कि जैसे कि आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि छात्रावास अधीक्षक पर बड़ी अपडेट के साथ, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी कब तक आएगी या फिर एडीओ की वैकेंसी कब तक आएगी। कि उन सभी विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि देखिए जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसकी जो अपडेट है, व्यापम की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ही तरीकों से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए हॉस्टल वार्डन का जो विलंबित का मतलब होता है, आप सभी ने पूछ रहा था कि विलंबित, तो देखिए जो हॉस्टल वार्डन में 500 पदों पर जो भर्ती निकल कर आई थी वो विलंबित कर दिया है। इसका मतलब है कि कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद जो है या कुछ महीनों के बाद इसकी अपडेट मिलने वाली है। यानी कि जैसे कि जो पहले छात्रावास अधीक्षक में जो अधीक्षक हैं, जो पहले से पद में कार्यरत है, उनको प्रमोशन के बाद ही हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आएगी। इसका मतलब है कि गणना करने के बाद आपका 700 से 800 पोस्ट आने की संभावना है। कल इसकी चर्चा होगी, कल इसकी बैठक लिया जा रहा है हॉस्टल वार्डन के बारे में संबंधित में, तो आपको कल आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी कब तक आ रहा है, किस प्रकार का आएगा। और जो मैं ये हॉस्टल वार्डन के बारे में बात कर रहा हूँ वो ITI हॉस्टल वार्डन के नहीं है, वो है आपका आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के बारे में, जो कि आपको जो वैकेंसी निकल कर आया था उसी के संबंध में। और जो ITI हॉस्टल वार्डन जो था ना, छात्रावास अधीक्षक, उसका जो परीक्षक तिथि के बारे में बात करें तो 23 जुलाई को इसका परीक्षक तिथि घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम समय है, जो ITI वाले जो छात्रावास अधीक्षक है उसके पास बहुत ही कम समय है, जाइए तैयारी कीजिएगा। और जो चुपचाप बैठे हैं हॉस्टल वार्डन के इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वैकेंसी कब तक आएगा, तो वैकेंसी आएगा, आप लोग तैयारी कीजिए, चुपचाप नहीं बैठिए, आपके पास समय ही नहीं है। कल आपको चर्चा में मिलेगा, कल व्यापम से देखिए जो बैठक होगा उसके बारे में पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, जैसे इसके क्या प्रोसेस है, क्या होगा, हॉस्टल वार्डन आएगा, कब तक आ सकता है, हम बताएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो विषय के बात करें तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग कार्यालय आयुक्त से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर विषय है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10 से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 7 तक के पद पर पदोन्नति हेतु एक समिति की बैठक में उपस्थिति संबंधित बाबत, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर संदर्भ है कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5/147 देख यहाँ पर देख सकते हैं, जो डेट दिया गया था 24/2/2023 का, उसी के उपरोक्त के विषय के अंतर्गत संदर्भित में, यानी कि यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10 से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 7 के पद पर कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु समिति गठित की गई है, जिसकी बैठक दिनांक 30/6/2023 यानी कि कल इसकी बैठक होगी। छात्रावास अधीक्षक के संबंधित में जो कुछ बारे में बता रहा हूँ उसकी बैठक होगी, जिसमें कहा गया है कि अटल नगर छत्तीसगढ़ के सभा कक्ष में कल आयोजित की जाएगी। यानी कि कल ही छात्रावास अधीक्षक से कुछ हमें सबसे बड़ी अपडेट मिलेगी, बड़ी खबर है कि छात्रावास अधीक्षक से कुछ आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर कब आ सकता है, क्या होगा, पूरी जानकारी हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में सुनने को आ रहा है कि जल्द ही इसका वैकेंसी निकल सकता है। तो आप तैयारी कीजिएगा, आपको पास चुपचाप बैठने के नहीं है, इसीलिए हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास चलाई जा रही है छात्रावास अधीक्षक, यानी जी हाँ आपने सही सुना है, हॉस्टल वार्डन की क्लास हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री मेंबर हिसाब से चला जा रहा है। अगर मेंबरशिप में करना चाहते हैं तो मेंबरशिप में भी मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड क्लास तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो बहुत से लोगों के पास पहुंच पाए। और तैयारी कीजिएगा हमारे YouTube, बिल्कुल समय हम आपको बता रहे हैं 8:30 से 9:30 बजे। ठीक है, तो यही एक सूचना था छात्रावास अधीक्षक से संबंधित बड़ी अपडेट। आपको कैसा लगता है वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके आगे जैसे भी न्यूज आएगा हमको छात्रावास अधीक्षक से संबंधित हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पर इंतजार करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा।